वैल्यूज बताओगे तो बताओ साइन थीटा, साइन थीटा को मैं दो बार लिख रहा हूँ, बताओ साइन थीटा साइन जीरो कितना होता है, कौन बताएगा? साइन थीटा एक बार लिखते सर, दो साइन बार किसने जीरो, बोला एक टाइम? हाँ एक बार लिख देते हैं, पर मैं दो बार लिखने का तरीका क्यों बताऊंगा, रीजन। तुषाल बताओ साइन जीरो जीरो साइन थर्टी कितना है? सब 1/2 वन अपॉन टू। और ये मैं तो वन अपॉन जॉय, नहीं भाई जॉयदीप यू आर टॉकिंग आउट ऑफ टर्न भाई, आपका टर्न नहीं है, आप रेज नहीं करते हैंड, पहले ही बोल देते हो। तुषाल ने हैंड रेज किया, तुषाल बताएंगे साइन 45 बताओ। तुषाल सर 1/√2 वन बाय रूट टू। एशना बताओ साइन 60 3/2 रूट थ्री बाय टू। और इसके बाद निखिल हरिओम और सोनू में से कौन बताएगा साइन 90? वन वन वन, ठीक है। तो मैंने ये साइन थीटा दो बार क्यों लिखा है, कोई बताएगा क्यों लिखा है दो बार, कोई बताएगा क्या क्या क्यों लिखा है दो बार? ये इसलिए लिखा है कि जल्दी से याद हो जाए आपको। जल्दी से याद करने का तरीका क्या है कि 0/4, फिर 1/4, 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज आती हैं। तो चलो कॉस थीटा, जल्दी से कॉस 90 जॉयदीप बताएंगे। हाँ 91 सर, ये सर सर इसमें सर ये जो साइन का ना सर, साइन का सर हम लोग सर फर्स्ट उल्टा शुरू करेंगे सर। सर जैसे 0 डिग्री में 1 आ जाएगा और सर बाकी सब उल्टा शुरू करेंगे सर। तो आपने सही बोला गलत बोला? आप, मैंने पूछा कॉस 90, आपने सही, क्या मैं बोला? सही बोला सर, सही आपने कॉस 90 क्या बोला बोला? मैंने कॉस 91 बोला ना आपने? हाँ नहीं कॉस 90 नहीं सर, मैंने कॉस कॉस 0 डिग्री बोला मैंने सर, 1 अच्छा, मैंने तो कॉस 90 सर, पूछा था। मैंने सर उल्टा शुरू होगा सर, जैसे साइन में सर हमने ऐसे लिखा था ना सर, तो फिर सर साइन में उल्टा शुरू होगा, जैसे कॉस 0 हो जाएगा अच्छा, 1/√3/2 उसके मुझे तो वन पता ही नहीं अपॉन था। अच्छा, मैं सीख वन गया। रूट टू उसके 1/2 वेरी गुड, चलो अच्छे बात है। तो 1/2 यानी साइन थीटा का उल्टा कर दो तो कॉस थीटा बन जाता है। तो ये तो 1/√2 सर। होगा, और ये 1/2, और ये कॉस 90 जीरो। और टेन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं तो टेन थीटा मिल जाता है कि नहीं? तो कैसे पता टेन थीटा ये होता है? देखो टेन थीटा अपन एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, टेन थीटा इज पी अपॉन बी बताया था ना, तो दो ऊपर भी एच से डिवाइड करो, नीचे भी एच से डिवाइड करो, तो ये पी अपॉन एच तो साइन थीटा होता है, और बी अपॉन एच क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। ऐसे ही कॉट थीटा कैसे आएगा कि इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो जल्दी से टेन थीटा लिखवाओ, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो, 0/1। हाँ तुषाल बताओ 0/1 टेन थीटा की पहली वैल्यू बताओ, सर क्या सर टेन जीरो कितना होता है? हाँ 10/0 सर इनफाइनाइट अनडिफाइंड सर अनडिफाइंड नहीं बेटा, साइन थीटा होता है 0, कॉस थीटा होता है 1, तो 0/1 तो 0 ही होता है ना बेटा। न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाए और डिनोमिनेटर में 1 टेन आए, नाइनटी ये 10/0 पूछा था मैंने, सॉरी ठीक है? तो 10/0 0, कोई बात नहीं। अब ऐशना बताओ 10/30 कितना होगा? 1/√3 1/√3। अच्छा नंदनी कहाँ गई भाई? नंदनी इसमें नहीं दिख रही मुझे, ज्वाइन नहीं हुई क्या? और इसके बाद 10/45 कौन बताएगा? निखिल हरिओम और सोनू में से बताओ भाई। सर 1 10/45 वन, वेरी गुड। और 10/60, टेन रूट सिक्सटी थ्री का रूट थ्री, वेरी गुड। और 10/90 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड सर हाँ क्योंकि 1/0 जीरो डिनोमिनेटर में आता है तो नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको, या कभी कभी इन्फिनिटी बोलते हैं, तो नॉट डिफाइंड आ गया। तो ये सब आता है, और इनके रेसिप्रोकल भी आपको आते हैं। फिर इसके बाद हमने स्क्वायर वाले फॉर्मूले किए थे, जिन्होंने हाथ ऊपर किया तो लोअर भी कर लिया करो, मुझे तो हाथ हरदम ऊपर ही दिख रहा है, तुषाल का भी और जॉयदीप का भी। चलिए तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कौन बताएगा? हैंड रेस करो।
जयदीप बताओ, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बताओ भाई। सर व्हेन द सम ऑफ सर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ वन साइड। फॉर एग्जांपल सर, जैसे परपेंड सर जैसे सर जैसे परपेंड हाइट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कुछ अदला बदली कर सकते हैं क्या? ऐसा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या जयदीप? हां सर, लिख सकते हैं सर। कैसे? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्या हम? हां सर, जब सर हम लिख सकते हैं जब हमको सर पी स्क्वायर का वैल्यू दिया होगा और बी स्क्वायर का वैल्यू दिया होगा और हमको फाइंड करना है एच स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला सही है जो सर्कल में लिखा है? हाँ सर। कैसे सर? ये हम जब तब सही है, हम तब अप्लाई करते हैं जब हमको सर बेस भी दिया होगा और परपेंडिकुलर भी दिया होगा और हमको एच स्क्वायर निकालना होता है, तब यूज करते हैं। नहीं बेटा, सेकंड वाला जो सर्कल में लिखा है ना वो गलत है। मतलब हमें वो, हाँ ये गलत है, हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ भाई। नहीं सर, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं सर, वो बताऊंगा बेटा मैं अभी। बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि पी की वैल्यू निकालो या पी स्क्वायर निकालो, तो हम बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं आपको बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, और यहाँ से अगर पी लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, ये ध्यान रखना बेटा। तो इसका मतलब जो आपने सर्कल में लिखा था वो गलत रिलेशन है। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसा बोलना है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड नहीं बोलना। ठीक है, वो तो फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर भी करना पड़ सकता है फिर हमें, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद हमने लिखा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एक बार हम इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? सबको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको भी और इसको भी। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, क्या मिला भाई? ये तो वन आ गया। हाँ तो शाल बताओ, पी अपॉन एच होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको? हाँ, ये कितना है ये? थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना। अच्छा, ऐसे ही बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या है सर? कॉस थीटा, कॉस थीटा होल स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कभी भी एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया। तो इस बार हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे? निखिल, हरिओम और सोनू में से कोई बताएगा सेकंड फॉर्मूला। इसी से दो फॉर्मूले और बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, इस तरफ ले आएंगे, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा जयदीप? बताओ सर, कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, ऐसे ही कोई और बताएगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो ले जा सकते हैं उस तरफ। तो शाल बताओ, साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, अब अगला, हमने ये पहला फॉर्मूला किया, अब दूसरा फॉर्मूला करने के लिए हमें फिर से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर लिख रहे हैं। और अब इस बार हम डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से। चलो, पी स्क्वायर से डिवाइड किया, क्या मिला भाई? पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर वन हो गया। बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ सर? हाँ बोलो, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसी से दो फॉर्मूले और बनेंगे। अगर हम वन को उस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा cot square theta is equal to cosec square theta minus 1। हाँ, cosec square theta minus 1 is cot square theta। और अगर हम cot square theta को उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा?
cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. हाँ, minus cot square theta is equal to 1 आ जाएगा. बहुत बढ़िया. अब आगे एक और फॉर्मूला बनेगा, वो कैसे बनेगा कौन बताएगा? कोई बता सकता अगला फॉर्मूला कैसे बने? हाँ जयदीप बताओ अगला फॉर्मूला कैसे बनेगा. सर आपका आपका वॉइस लो आ रहा है सर, थोड़ा धीरे करिए. वॉइस लो हो गई क्या? अभी सही है? हाँ लो हो गई सर, अभी थोड़ा अभी आ रही है सर. अभी आ रही है. 20 को ऐसे डिवाइड करेंगे. हाँ अब 20 कैसे डिवाइड करेंगे? चलो अब एक बार 20 कैसे डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या बनता है भाई यहाँ पर. तो हमने यहीं पे साइड में एक मार्जिन बना देते हैं और फिर इसको 20 कैसे डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे लिखा हमने कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. तो एक बार 20 कैसे डिवाइड कर दो, 20 कैसे सबको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिवाइड करो तो क्या आएगा भाई? ये तो हो गया 1 और p अपॉन b क्या होता है? सर tan स्क्वायर थीटा. वेरी गुड. और इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा. अब इस बार 1 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. और दूसरी बार हम tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कौन बता रहा है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. वेरी गुड. तो ये सब आपको समझ में आ गया है? ये हमने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा है. कुछ और पढ़ाया गया हमने? सॉरी कुछ और पढ़ाया गया 10th में हमने? कुछ और पढ़ा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा. हां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है भाई. तो कौन बता रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कोई कौन सा टर्म किस में चेंज हो जाता है? साइन किस में चेंज होता है? सर कॉस में. और कॉस किस में चेंज होता है? साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस साइन में. तो क्या लिखें? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा. और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. साइन थीटा. और ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा. कॉट थीटा. वेरी गुड. और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा. टेन थीटा. और उसके बाद और कौन सा रह गया? सेक 90 माइनस थीटा बताओ. कोसेक थीटा. कोसेक थीटा. और कोसेक 90 माइनस थीटा बता दो जल्दी से. सेक थीटा. वेरी गुड. तो ये हो गया सेक थीटा. तो ये सब आता है. कुछ रह गया 9th 10th का रिवीजन? कोई रह गया? सब हो गया. तो अब वापस 10th का ही 10th में ही था ये सब. हां 9th का काम गुजारे सर. बस सही है. 9th क्यों गुजारे? 10th में था सर. हां चलिए 10th में था. तो अब ये इसमें कुछ रहा तो नहीं ना? ये पूछ रहा हूँ. अभी कुछ नहीं रहा सर. चलिए तो अपन बढ़ रहे हैं आगे चैप्टर 3 पे. और हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया है. इसमें एंगल्स के बारे में दिया है. एंगल्स क्या है कि इसमें अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है, ये है उल्टा चलना, घड़ी के उल्टा. ये हमारा 3 यहाँ बजते हैं, ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ 3 बजते हैं. तो इसके उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे हमेशा. एंगल नापेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इनिशियल साइड बोलते हैं और जहाँ पे रुक जाएंगे, जैसे मानो ये रुक गए यहाँ पर आके, तो इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड. तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव. पर अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज जाएंगे, 3 से 4, 5 की तरफ चलें, तो ये टर्मिनल साइड इधर आ जाएगी. तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? ये नेगेटिव एंगल है. ये बात समझ में आ गई सबको? पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल क्या होता है ना? तो इसके बाद एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन निकाल लिया. इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों आपस में मिल गई तो ये 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया. ठीक है, इस तरह से ये समझ में आ गया. फिर डिग्री मेजर. चलिए अब आपको थोड़ा सा नोट्स दिखाते हैं आपको, जिसमें आपको समझ में आएगा. इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं इसको, मेजरमेंट ऑफ एंगल. दो तरह के एंगल ऑफ मेजरमेंट सीखेंगे हम. पहला है इंग्लिश सिस्टम, जिसमें एंगल हम डिग्रीज में मेजर करते हैं. तो उसमें 1 रेवोल्यूशन कितना डिग्री होता है भाई? पूरा एक चक्कर काट के आएंगे, टोटल कितने डिग्री हो जाएंगे? 360. यानी आप पूरे सर्कमफ्रेंस को 360 पार्ट में डिवाइड कर दो. ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन. ये 359 डिग्री और ये 360 डिग्री. तो मैं वीडियो भी ऑन कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप आपको देख पाओ मुझे भी, पर आप अपना वीडियो ऑफ रखना बेटा, है ना? वीडियो ऑफ रखोगे आप, है ना? चलिए तो 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होते हैं
और हाफ रेवोल्यूशन 360 का आधा कर दो कितना हो जाएगा भाई, 360 का हाफ क्या होता है, कौन बताएगा 360 का हाफ? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ तक जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा। फिर 1/4 रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/4 रेवोल्यूशन इज 90 डिग्री और उसको हम 1 राइट एंगल बोलते हैं। तो 1 राइट एंगल इतना एंगल होगा 90 डिग्री, आपको पता ही है। अब नई चीज़ जो सीखनी है आपको वो ये है, क्या किया, ये हमने पूरे 360 पार्ट्स किए थे पूरे सर्कमफ्रेंस के, तो जो एक पार्ट है उसको हमने 1 डिग्री नाम दिया, ये जो एंगल बना ठीक है इसको हमने 1 डिग्री, ये 1 2 ऐसे करते 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 यहाँ पे 359 और 0 को ही 360 बोल दिया। फिर 1 पे वापस ऐसे घूमते जाएंगे ना तो 1 को फिर से 361 डिग्री बोलेंगे, 1 को क्या बोलेंगे 361 डिग्री, फिर 2 को क्या बोलेंगे 362 डिग्री, इस तरह से ऐसे चलते जाएंगे तो एंगल बढ़ते चले जाएंगे। और अगर हम क्लॉकवाइज जाएं तो ये 359 जो है ना वही -1 डिग्री -2 डिग्री ऐसे जाएंगे, तो उल्टा जाएंगे क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल। अब ये जो 1 डिग्री दिख रहा है आपको, इसको हमने क्या किया, बड़ा कर दिया, माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा तो ये पूरा 1 डिग्री है। तो इस वाले छोटे से पार्ट को हमने, ये जो सर्कमफ्रेंस का इतना सा पार्ट है, इसके बहुत बड़ा कर दिया माइक्रोस्कोप से मान लो, और फिर इसको इसके 60 पार्ट कर दिया, 1 पार्ट 2 पार्ट ऐसे करते करते 59 पार्ट 60 पार्ट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। सर ये तो टाइम है, तो टाइम थोड़ा होता है भाई, देखो टाइम भी हम मेजर करते हैं मिनट में और जो एंगल भी है ना वो भी मिनट में मेजर करते हैं, दोनों को मिनट में मेजर करते हैं, ऐसे ही मिनट में भी मेजर करते हैं और सेकंड में मेजर करते हैं। तो मिनट जो है ना उसको हम यहाँ पे कैसे दिखाते हैं, ये डैश से दिखाते हैं। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो मिनट को हम MINUT नहीं लिखेंगे ठीक है, उसमें हम एक डैश लगा देंगे, इसका मतलब 1 डिग्री इज 60 मिनट। अब ये जो एक पार्ट है ये वाला, इसको क्या कहेंगे, दिस इज 1 मिनट। ये जो एंगल है ना, एंगल का मेजरमेंट भी 1 मिनट होता है और टाइम का मेजरमेंट भी 1 मिनट होता है ठीक है, उस टाइम का यूनिट भी 1 मिनट और एंगल का यूनिट भी 1 मिनट होता है। तो ये 1 मिनट पता है 60th पार्ट, 60 पार्ट कर दो 1 डिग्री के, तो ये एक पार्ट है दैट इज 1 मिनट। अब इस 1 मिनट को फिर से और बड़ा कर दो, तो हमने बड़ा कर दिया देखो नीचे, तो 1 मिनट को ऐसे माइक्रोस्कोप से और बड़ा कर दिया, ये पूरा 1 मिनट है। अब इसके फिर जो सर्कमफ्रेंस इतना से जो पार्ट था ना ये वाला, इस ये बड़ा हो गया देखो माइक्रोस्कोप में, इसके कितने पार्ट कर दिए, फिर से 60 पार्ट कर दो, तो ये 1 पार्ट 2 पार्ट और इसमें डबल लाइन लगा दी, इसका मतलब क्या है, डबल लाइन का मतलब है सेकेंड्स। तो ये 1 मिनट के अंदर टोटल कितने सेकेंड्स हो गए, 60 सेकेंड। तो एंगल में भी एंगल को भी हम सेकेंड्स में और मिनट्स में नापते हैं, डिग्री मिनट और सेकेंड ठीक है। जैसे हम हाँ तुषार कुछ पूछना है पूछो।